को यहाँ पर IGBT लगाना है। और IGBT लगाने के पहले हमको क्या करना है, जो यहाँ पर ब्रिज देख सकते हैं, यहाँ पर डायोड लगते हैं ब्रिज डायोड, उसको भी चेक कर लेना। और उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लगा था जो ख़राब हो चुका था, मतलब इधर से फट चुका था, ठीक है, यहाँ पर लगा, ये दूसरे में गए। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें कभी भी जो ये 3 कैपेसिटर लगा रहता है उसको हमेशा लगाने के समय एक बार चेक कर लेना है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो फटा थोड़ी है, अंदर से लीकेज थोड़ी हुआ है, ये अक्सर हमें ध्यान देना होता है, तभी आप यहाँ पर जो है IGBT लगाएं। वरना आपका ये सब गलतियाँ करते हैं तो आपका IGBT है बार बार उड़ता है। और जैसे हम आपको बता देते हैं कितने एम्पियर का IGBT, कितने नंबर का IGBT, कितने वाट के इंडक्शन में लगाना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे 2000 वाट का है उसमें लगभग 20 से 25 एम्पियर का IGBT, देखते हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारा IGBT है, तो यहाँ पर 20 से देख सकते हैं, इस पर 30 N लिखा है, ये हमारा 2500 वाट के इंडक्शन लगा था मैकवाय के, ठीक है, सॉरी मैकवाय के नहीं है, ये हमारा वीगार्ड के इंडक्शन पे लगा था, ठीक है। और जो हमारा पास यहाँ पर और है बहुत सारा है, ये 15 N का लगा था जो हमारा बजाज में लगा था, ठीक है। और आपको दिखा देते हैं यहाँ पर और है 20 N का जो हमारे मैकवाय के में लगा था। और देख सकते हैं इस प्रकार बहुत से IGBT हैं, तो आपको हम बेसिक तरीके से बता देना चाहते हैं कि अगर आपका इंडक्शन अगर 1200 वाट 1500 वाट इस प्रकार से है तो इसमें आप 15 नंबर का IGBT लगा सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर का, 15 नंबर का लगाना है, ठीक है। और जैसे आपका इंडक्शन है जैसे 2000 का इंडक्शन है, ठीक है, 2000 वाट का इंडक्शन है, तो उसमें आप बेसिक ही आपको बता देते हैं कि उसमें 20 N का उपयोग करें, 20 N है 25 N है, मतलब 25 एम्पियर 20 एम्पियर इन नंबर का IGBT यूज़ करें, तब आपका इंडक्शन सही स्टार्ट चलेगा, वरना आपका इंडक्शन फिर बाद में ख़राब हो सकता है। तो ये गलती आपको ध्यान में रखना है, जैसे 1800 वाट का है उसमें 20 N का, 2500 वाट का है तो 25 N, मतलब 25 H भी लिखा रहता है, कहीं पर N भी लगा रहता है, आप देख सकते इधर अभी N लिखा है, ठीक है, ये देख सकते हैं इधर क्या लिखा है, N लिखा है। और आपको दिखा देते हैं कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है, देख सकते हैं इसमें भी N लिखा है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, H20 लिखा है, देख सकते हैं। तो इससे हमें को मतलब नहीं है, 20 एम्पियर 25 एम्पियर इसका ही आप प्रयोग करें, 25 एम्पियर का उपयोग करें, 20 एम्पियर का उपयोग करें, अगर 25 वाट का इंडक्शन है और 2000 वाट का है तो मेरा मानना है कि आप 20 एम्पियर का यूज़ करें, 1800 वाट है 1200 वाट है तो उसमें आप 15 एम्पियर का यूज़ कर सकते हैं, 15 एम्पियर 18 एम्पियर इस टाइप का IGBT उसमें यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर को चेक करने का सही तरीका बताते हैं, अगर हमारा ऐसे चेक करना है, अगर यहाँ पर हमें जो हमारा कैपेसिटर उभरा हुआ लगता है, मतलब थोड़ा उभार टाइप का लगता है, तो हमारा कैपेसिटर क्या है, फटने के चांस में आने वाला है, अभी ख़राब नहीं हुआ लेकिन हो सकता है, देख सकते हैं। ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, इस टाइप का नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करके चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते इधर मल्टीमीटर में यहाँ पर 4U ऐप, तो इसको इसका ओम चेक, मतलब जो इसका सही वैल्यू है वो चेक कर सकते हैं, किससे, मल्टीमीटर से, तभी आपको यहाँ पर IGBT लगाना है, वरना आपका IGBT बार बार ख़राब हो सकता है, ठीक है, तो आपका इंडक्शन सही साथ चलेगा।